क्या तारा सिंह के रोल के लिए चुना गया था गोविंदा को? किसकी रियल लाइफ से ये रियल लाइफ अलग थी? बॉलीवुड में क्या फिर वापसी करेंगे ची ची गदर से? आज हम बात करने जा रहे हैं तो ऐसे शख्स की जिनकी पर्सनालिटी एक दूसरे से एकदम जुदा है, लेकिन फिर भी वो एक ही फिल्म के लिए कास्ट हुए थे। अगर एक आग है तो एक पानी, अगर एक गुस्सा है तो दूसरा हंसी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सनी देओल और गोविंदा की। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि इन दोनों को तो साथ कभी नहीं देखा गया। तो जी बिल्कुल ठीक सोचा आपने। पर अगर मैं कहूँ कि आप ये सोचे कि गदर में सनी की जगह गोविंदा हैंडपंप उखाड़ते तो आपको भी हंसी आई ना, इसी तरह गोविंदा को भी आई। गदर एक प्रेम कथा के लिए सबसे पहले गोविंदा को तारा सिंह के किरदार के लिए कास्ट किया गया था, जो बाद में सनी देओल ने किया। आपको बता दे कि बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा अब फिल्मों में भले ही ना नजर आते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब पूरे बॉलीवुड पर उनका ही राज था। 80s, 90s के दशक में गोविंदा ने एक से बढ़कर एक फिल्में की थी जो सुपर हिट होती थी। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा भी था जब ये कहा जाने लगा था कि अगर गोविंदा फिल्में नहीं करेंगे तो फिल्म इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। हालांकि अपने करियर के पीक पर गोविंदा ने भी बहुत सी फिल्मों को रिजेक्ट कर दिया था। गोविंदा के हाथ से एक सबसे सुपरहिट फिल्म निकली थी गदर, जो सनी देओल के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म में से एक साबित हुई। गदर एक प्रेम कथा फिल्म देखने के बाद कोई ये सोच भी नहीं सकता कि इस फिल्म में सनी की जगह कोई और ले सकता है। हालांकि बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि सनी देओल से पहले ये फिल्म गोविंदा को ऑफर की गई थी। एक इंटरव्यू में खुद गोविंदा ने इस बारे में खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि गदर के मेकर्स उनके पास इस फिल्म का ऑफर लेकर आए थे। उन्हें फिल्म पसंद भी थी, लेकिन एक खास वजह से उन्हें ये फिल्म छोड़नी पड़ी। गोविंदा ने बताया था कि इस फिल्म में तारा सिंह का जो रोल दिखाया गया था उसके लिए वो खुद को उतना फिट नहीं मानते थे। ऐसे में उन्हें लगा कि ये रोल उनकी इमेज से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता और वो इस रोल के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। यही वजह थी कि फिल्म की कहानी पसंद होते हुए भी गोविंदा ने ये फिल्म ठुकरा दी और सनी की किस्मत में एक सुपरहिट फिल्म आ गई। सनी देओल ने फिल्म में सिख तारा सिंह का रोल निभाया था, जिसे एक पाकिस्तानी लड़की सकीना से प्यार हो जाता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान उपजी ये प्रेम कहानी किस कोहराम से गुजरते हुए अंजाम पाती है वो इस फिल्म में दिखाया गया था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी। अब एक बार फिर गदर के मेकर्स ने इसका सीक्वल बनाने की ठान ली है। हो सकता है वो एक बार फिर गोविंदा को इस फिल्म में लाने की कोशिश करें। आपको क्या लगता है कि आप तारा सिंह की जगह किसी और को दे पाएंगे? क्या गोविंदा इस रोल को करने के लिए दोबारा मना करेंगे? आपके जवाब हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।